हे गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बेसिक फंक्शन लाइक राइट, लेफ्ट, मिड फंक्शन। सो ये सारे फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन के अंडर में आते हैं। यू कैन सी लेन, ट्रिम, अपर, लोअर, इस तरह से मेरे पास फंक्शन है। टेक्स्ट फंक्शन में और भी सारे फंक्शंस होते हैं और उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेरा डेटा है, यहाँ पे ई कॉलम में एम्प्लॉई नेम। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बेसिकली इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इस तरह से। तो इसे हमें सैनिटाइज करना है विद द प्रॉपर फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं पहला फंक्शन लेन फंक्शन यूज़ करता हूँ। लेन फंक्शन बेसिकली पर्टिकुलर सेल में, जैसे ये मेरा सेल है, सेलेक्टेड सेल, इसमें कितने हेड काउंट है इंक्लूडिंग स्पेसेस, उसका यहाँ पे आपको काउंट देगा। सो सिंपल यूज लेन एंड ड्रैग दिस। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये काउंट अगर करना है तो आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 24 हेड काउंट है इंक्लूडिंग स्पेस, क्योंकि लेन फंक्शन आपको स्पेस और जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, उस सबको काउंट करता है। ट्रिम फंक्शन बेसिकली, ट्रिम फंक्शन जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। जो ये जो नेम है इनके बीच में जो स्पेस है उसको रिमूव करता है। तो आई विल यूज ट्रिम फंक्शन, सेलेक्ट टेक्स्ट, एंटर। बहुत ईजी फंक्शन है ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस थे सारे रिमूव हो चुके हैं। अगला फंक्शन आता है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन जो भी कैरेक्टर होते हैं उसको अपर, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। इज इक्वल टू अपर, सेलेक्ट द रेंज एंड एंटर। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो मेरा डेटा है इसको कैपिटल लेटर में कर दिया। सेम इसका ऑपोजिट लोअर, लोअर आपको क्या करता है, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखो कि यहाँ पे अपर लोअर दोनों हो गया और एक प्रॉपर फंक्शन होता है। प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल में, बाकी स्मॉल लेटर में। तो मैं अगर ये प्रॉपर फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये मेरा प्रॉपर सैनिटाइज डेटा जो मेरा एफ कॉलम में है ना, ये मेरा प्रॉपर डेटा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंट है। दिस इज द एक्चुअल सैनिटाइज डेटा। तो ये बेसिक फंक्शन यूज करके हम डेटा को इस तरह से प्ले कर सकते हैं, डेटा को सैनिटाइज कर सकते हैं। सो अगला फंक्शन मेरा लेफ्ट, मिड, राइट फंक्शन है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हर इंटरव्यू में, जब भी आप MIS के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें आपको ये फंक्शन हमेशा आता है। और एग्जामिनर यही पूछता है कि आई हैव द डेटा, लाइक ये जो एफ कॉलम में जो डेटा है इसको स्प्लिट करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम में बेस पे। तो लेफ्ट फंक्शन बेसिकली वर्क कैसे करता है, इज इक्वल टू लेफ्ट, ओके, टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरा एफ कॉलम में जो है, रेंज मैंने सेलेक्ट किया नंबर कैरेक्टर। आपको नंबर कितना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो नेम है उसमें कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर है। तो कॉमा 7 किया मैंने, एंटर। तो ये मेरा फर्स्ट नेम आ गया। इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे कुछ सारे नेम 7 कैरेक्टर्स के नहीं हो सकते, कोई भी चेंजेस और कोई भी अलग अलग कैरेक्टर्स के नेम हो सकते हैं। तो इसको डायनेमिकली कैसे बनाए हम, इसके लिए हम एक फाइंड फंक्शन होता है। फाइंड फंक्शन से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं ये जो फर्स्ट वाला स्पेस है उसका क्या पोजीशन है, ओके। तो अब यहाँ पे फाइंड फंक्शन यूज करता हूँ, फाइंड, फाइंड टेक्स। फाइंड टेक्स में क्या करना है आपको, स्पेस फाइंड करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में आपको स्पेस करना है और विद इन टेक्स में आपको ये सेल सेलेक्ट करना है, एंटर। ये स्टार्ट नंबर पोजिशन ऑप्शनल है, यू कैन स्किप इट। ये जो 8 पोजीशन मुझे मिला यही मेरा रिजल्ट है। तो इसके आगे आप यहाँ पे सिंपल लेफ्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट टेक्स्ट आपका ये टेक्स्ट है, कॉमा, नंबर कैरेक्टर। नंबर कैरेक्टर ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला से निकाल दिया कि ये जो पोजीशन, जो स्पेस है उसका क्या पोजीशन है, और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ओके, ड्रैग दिस। आप इसमें एक चीज़ नोटिस ज़रूर करना कि अगर मैं इसको वैल्यू पेस्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस है। तो इस स्पेस को रिड्यूस करने के लिए आपको एक पोजीशन जो है कि माइनस कर देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस वन, ओके। तो आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी रिमूव हो जाएगा। मिड फंक्शन, मिड फंक्शन ये जितने भी मिडिल नेम है यहाँ पर, वो मिडिल नेम को डायनेमिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो स्पेस का पहला पोजीशन क्या है, दूसरा पोजीशन क्या है। इन दोनों पोजीशन अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अपना ये मिडिल नेम यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो बस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डिटेल में समझाता हूँ। आई विल यूज मिड फंक्शन, टेक्स्ट मेरा ये रहेगा एंड कॉमा, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर में आपको फाइंड करना है, वो फाइंड का पोजीशन देना कि पहले पहला पोजीशन फाइंड करना है, देन आपको दूसरा पोजीशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड फंक्शन यूज़ करना है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द स्पेस, ओके। सेलेक्ट दिस, ब्रैकेट क्लोज, प्लस वन।
प्लस वन यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्पेस का पोजीशन था वो 8 था, तो मुझे 8 से नहीं 9 से चाहिए ना, मुझे सिंह चाहिए, तो ये जो एस है ना एस 9 पोजीशन पे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस वन करा। अब ये मेरा स्टार्ट पोजीशन हो गया सबके लिए, ओके एंड कॉमा नंबर कैरेक्टर। ये जो नंबर कैरेक्टर है इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे अब पहला स्पेस तो मुझे मिल गया, और ये पहले स्पेस से जंप करके मुझे दूसरे स्पेस का पोजीशन फाइंड आउट करना है, फिर आपको माइनस करना है फर्स्ट पोजीशन स्पेशल कैरेक्टर का। तो आप एग्जांपल के थ्रू करते हो, तो यहाँ पे मैं फाइंड एक और यूज़ करूँगा ब्रैकेट कॉमा में, विद इन टेक्स मेरा ये टेक्स्ट होगा, ये मेरा पहला पोजीशन मिल गया, एंड कॉमा फाइंड दूसरा पोजीशन फाइंड करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा सेलेक्ट दिस ब्रैकेट क्लोज +2। +2 यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले स्पेस से जंप करके दूसरे स्पेस पे जाना है और उसका टोटल काउंट लेना है। तो दूसरे स्पेस प्लस पहला स्पेस, ये जितने भी आएंगे उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट स्पेस। ओके सेलेक्ट दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप चेक करो कि यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, जितने भी आपके मिडिल नेम है इस मिडिल नेम यहाँ पे आपको यहाँ पे आ गया। ओके कॉन्सेप्ट यही हमेशा रहेगा कि आपको पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा फाइंड फंक्शन से। ओके अब हम राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, और ये जो मेरा एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम में से मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे राइट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो लास्ट नेम है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेन फंक्शन यूज़ करूँगा टू फाइंड आउट द टोटल पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये 20 पोजीशन आ गया इंक्लूडिंग स्पेस। अब ये 20 पोजीशन से मुझे ये जो सेकेंड वाला स्पेस का पोजीशन है उससे माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे अगर फाइंड फंक्शन यूज़ करता हूँ टू फाइंड आउट द सेकेंड पोजीशन ऑफ द स्पेस, ओके सेलेक्ट दिस अगेन जंप टू द सेकेंड पोजिशन क्लोज +2। ओके अब ये जो 14 है, 14 जो है कि जो लास्ट स्पेस है सेकेंड स्पेस का पोजिशन है। अब यहाँ पे 20 - 14 करता हूँ तो ये 6 आता है। 6 ये हमारा आपका लास्ट नेम है, अगर इसको आप ट्रैक करके देखना चाहते हो तो इस तरह से 6 6 7 3 10, इस तरह से जो मेरा पोजीशन है ये मेरा लास्ट नेम है। अब इसको हम एक साथ में यूज़ करते हैं, राइट सेलेक्ट दिस टेक्स्ट कॉमा लेन फंक्शन यूज़ करेंगे। लेन से हम ये टोटल पोजीशन फाइंड करेंगे, टोटल पोजीशन से माइनस करेंगे सेकेंड पोजीशन स्पेस का। ओके तो आप स्पेस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, इस तरह से मेरा डेटा आ गया, लेफ्ट मिड राइट मतलब फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, इस तरह से मेरा डेटा आ गया। और आई होप यू अंडरस्टैंड, आई विल बी शेयरिंग द फाइल फॉर अ प्रैक्टिस। ओके प्लीज प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।